आज जुमा का दिन है। वैसे ही जुमा हमें बड़ा अजीम दिन माना जाता है हफ्ते के दिनों में से। तो वो अच्छी न्यूज सुबह सुबह आई है, मीरवाइज साहब आज जुमा के प्रेयर्स को लीड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो अल्लाह का ही शुक्र किया जाता है। दूसरा, आई वॉन्ट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड थैंक्स टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको भी कि उन्होंने, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, देर से ही किया लेकिन सही डिसीजन है। मुझे उम्मीद है मीरवाइज साहब के जो शायकीन हैं, जो एक अरसे से, लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके कहे हुए शब्द सुने, आज उनका वो ख्वाब भी पूरा होगा और आने वाले दिनों में हम सबका भी ख्वाब पूरा होगा। हम भी सुनेंगे किसी दिन जाके, आज तो नहीं जाएंगे वहाँ सुनने के लिए। जो अमन की फिजा यहाँ कायम हुई है, मुझे उम्मीद है कि मीरवाइज साहब उसको बढ़ावा देने में अपना एक रोल करेंगे और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। उदा साहब, आपने भी काफी कोशिश की थी, मतलब अपने लेवल पे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारा तो काम है हरे के लिए। अपनी पार्टी का वजूद ही इसलिए आया 2020 में ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का उजाला करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्चाई से बाखबर करें। बहुत कड़वी बातें सुनी, बहुत तीखी बातें सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज लोग समझते हैं। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच कहती थी और वही सच है, और उसी सच की एक कड़ी है कि आज मीरवाइज साहब रिलीज हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिलीज किया ना, तो हम तो हमेशा कहते थे कोई और नहीं कर सकेगा। तो अल्ताफ साहब, अमन की फिजा आ रही है, हमने भी देखा कि कल बहुत सारे लीडर्स ने आपको ज्वाइन किया, उनमें सेपरेटिस्ट लीडर्स भी है, कितना अच्छा कदम है ये। मैं किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ, देखिए मैं बताऊंगा। देखिए, मैं कभी किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ। हम सब एक सोच के साथ, यहाँ हमारे लोगों का एक सोच था, प्रैक्टिकली शायद वो हमारे लीडरों ने कुछ ख्वाब दिखाए थे जिनकी ताबीर कभी हो नहीं सकी। तो आज अगर हकीकत पे लोग चलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को सेपरेटिस्ट कहा जाए, किसी को मेनस्ट्रीम कहा जाए। हम सब जम्मू कश्मीर के लोग हैं और अमन चैन चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अमन चाहते हैं, अपने बहनों के लिए अमन चाहते हैं, अपनी बेटियों के लिए अमन चाहते हैं। तो इससे क्या अच्छा है, अमन जब होगा इन्वेस्टमेंट आएगी, कारोबार बढ़ेगा, टूरिस्ट आएगा, इस मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर का अमन बहुत जरूरत है। अल्ताफ साहब, पहले मुहर्रम को प्रोसेशन अलाउ किया, आज मीरवाइज को, तो आप हम समझते हैं कि कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है। मुझे तो लगता है कश्मीर नॉर्मल है, मैं तो ये कहता हूँ। ये तो सरकारी अफसरान जो हैं, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, मैं उनको भी ऐसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इसमें, लेकिन उनको कहना चाहता हूँ ये दिल से डर निकाल दो। बंद करके मुट्ठी रखोगे तो फिर तो मुट्ठी बंद है, खोल के देखो कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने अब मन बना लिया अमन पे चलने का। लोग चाहते हैं कि जो उन पे तोहमत लगाई गई है इतने सालों से कि ये शायद लोग सब दहशतगर्द हैं, लोग सब यहाँ हुल्लड़बाज हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और मुझे नहीं लगता इस मुल्क में कोई ज्यादा ये कह सकता है कि वो हमसे ज्यादा प्यार करते होंगे मुल्क से।